Have a good day, classics. Welcome in your English online class. Students, today we are going to go through the topic essay. It is given in your book of Brevia at page number 158. Yes, class, let us elaborate the term essay. Or this is, you can say, a short essay is this. Now, this type of writing deals with only one problem or one topic. Whenever we write any essay, it deals with only one topic. Ek hi topic hota hai. It can be any problem or any experience also. And in this, we write that had already taken place or what we think or like the most. जो हो चुका है उसके बारे में हम बात करते हैं. रिगार्डिंग दैट यूज ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वी कैन टेक एनी टेंस एंड इट शुड हैव अ सुटेबल टाइटल. द रेस्ट इज द बॉडी एंड एट द एंडिंग वी शुड ट्राई टू एंड एनी एसे विद अ पॉजिटिव मैनर और अ पॉजिटिव मोड. सो लेट अस स्टार्ट अवर टूडेज टॉपिक, शॉपिंग विद मदर. मम्मी के साथ शॉपिंग जाना. आप सब भी जाते हैं ना, यू ऑल्सो गो विथ योर मदर फॉर शॉपिंग. सो लेट सी. माई मदर एंड आई वेंट फॉर शॉपिंग लास्ट सैटरडे. इट मीन्स कि मेरी मम्मी और मैं लास्ट सैटरडे को शॉपिंग पर गए थे. वी फर्स्ट विजिटेड अ शू शॉप. सबसे पहले हम कहाँ गए थे? शू शॉप के ऊपर. एज आई नीडिड अ न्यू पेयर ऑफ माई स्कूल शूज़, क्योंकि मुझे अपने स्कूल शूज़ के लिए एक नया जोड़ा खरीदना था. माई मदर बॉट अ पेयर ऑफ लो हील शूज़ फॉर हर सेल्फ ऑल्सो. और कहता है कि मेरी मम्मी ने भी एक कम हील वाले शूज़ अपने लिए परचेज किए. नेक्स्ट वी एंटर्ड अ सुपर मार्केट. इसके बाद हम कहाँ गए? सुपर मार्केट में. मदर बॉट सम फूड स्टफ एंड प्रोविजन्स देयर. वहाँ पर मम्मी ने कुछ खाने पीने का सामान खरीदा. आई हेल्प्ड हर विद द ट्रॉली. कहता है कि मैंने अपनी मम्मी की हेल्प की ट्रॉली को ले जाने में. ट्रॉली में सामान रखते हैं ना. व्हेन शी हैड कंप्लीटेड हर लिस्ट ऑफ ग्रॉसरी आइटम्स, शी वेंट टू द फ्रूट सेलर टू बाय फ्रूट्स. जब मम्मी ने अपनी ग्रॉसरी आइटम्स मीन्स वेजिटेबल्स वगैरह सभी ले लिए मम्मी ने, देन शी वेंट, तब वो फ्रूट सेलर के पास चली गई कुछ फल खरीदने. आई प्रेफर्ड द बुक शॉप. बट मैंने क्या प्रेफर किया? टू गो टू अ बुक शॉप, एक बुक शॉप पर जाना. सो वी वेंट डिफरेंट वेज. इसीलिए हम अलग अलग रास्तों पर चले गए. आई बॉट अ स्टोरी बुक एंड सम बर्थडे कार्ड्स. कहता है कि मैंने कुछ एक स्टोरी बुक और कुछ बर्थडे कार्ड्स परचेज किए. बट दैट टाइम मदर हैड परचेज्ड फ्रूट्स. और उस टाइम पे मम्मी ने क्या परचेज किया? फ्रूट्स परचेज किए. टुगेदर वी लेफ्ट द प्लेस. इकट्ठे ही हमने वो जगह छोड़ दी. हमने इकट्ठे ही उस जगह को छोड़ा. सुपरमार्केट से हम इकट्ठे ही बाहर आए. फीलिंग थर्स्टी वी वेंट टू अ कॉफ़ी हाउस नियर बाय एंड ऑर्डर्ड कोल्ड लेमोनेड ईच. एंड अब हमें कहता है बहुत प्यास लग रही थी. सो वी वेंट टू अ कॉफ़ी हाउस. जो पास ही में एक कॉफ़ी हाउस था, हम वहाँ चले गए एंड हमने कोल्ड लेमोनेड ऑर्डर किए. द एम्पोरियम वॉज अवर लास्ट शॉप. और सबसे लास्ट में हम कहाँ गए? एक क्लॉथ एम्पोरियम में. हेयर वी एडिड सम टी शर्ट्स एंड शॉर्ट्स. अब वहाँ से हमने क्या परचेज किया? कुछ टी शर्ट्स लिए और कुछ शॉर्ट्स लिए. बाय नाउ अब तक वी वर टायर्ड, हम थक चुके थे. एंड हैविली लोडेड, और बहुत सारा सामान भी हमारे पास था. बहुत सारी शॉपिंग की थी ना. सो वी टुक अ टैक्सी होम. इसलिए हमने एक टैक्सी की घर तक. आई इन्जॉयड शॉपिंग विद माई मदर दैट डे. इट मीन्स कि उस दिन मैंने अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग को इन्जॉय किया. सो स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू दैट इट डील्स विद ओनली वन एक्सपीरियंस और वन टॉपिक, यू ऑल्सो ट्राई टू राइट एंड ट्राई टू शेयर योर एनी एक्सपीरियंस और एनी प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग बाय योर राइटिंग. स्टेप बाय स्टेप गो थ्रू वॉट यू फील एंड वॉट विल कम नेक्स्ट. वॉट विल कम नेक्स्ट, सिमिलरली यू कैन प्रोसीड. एंड डोंट फॉरगेट टू एंड द टॉपिक विद अ पॉजिटिव मैनर.
आई होप क्लास दैट यू हैव इन्जॉयड शॉपिंग विद मदर. गो टू अ शॉपिंग विद योर ओन मदर एंड इलेबोरेट योर ओन एक्सपीरियंस विद अस. शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस. थैंक यू क्लास.